So after searching in the mapper, you will get our channel, और वहां से आपको CSE सेक्शन ए अंडरस्कोर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम होगा टाइटल फॉर द पर्टिकुलर वीडियोज ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी दो चार लेक्चर से हुए हैं, देन आपके लिए बेटर होगा कि उसको फॉलो करके एक बार आप, फिर अगर आपको कोई डाउट होता है देन वी विल फर्दर मूव। ठीक है, लेट्स वेट फॉर टू मोर मिनट्स। आई थिंक If someone is going to join, then we will allow them. So today, हमारा जो टॉपिक है, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? इससे पहले हमने बैंड के बारे में डिस्कस किया था, एनर्जी बैंड डायग्राम्स। Let me share the PPT. So, अभी तक किसी को कहीं पे भी डाउट है? If someone has any doubt at any point, just ask. I will explain in the meantime. मेरी वॉइस तो क्लियर है? सर एक बार फिर एनर्जी बैंड डायग्राम थोड़ा बता देते। हाँ सर, ये कर बता दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई इससे पीछे का कोई ऐसा टॉपिक? Because it will benefit the new students also. ठीक है भाई, अजीम पुराना आपको सब आता है। So today we will discuss again the old topic, which was Venn diagram. And most importantly, आज हमारा दो क्लास है, consecutive दो क्लास है लगातार। So I think 55 students have joined. Let's start. So screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay. So what in our previous discussions we have seen, पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जाना कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे हुआ। उससे पहले सबसे स्टार्टिंग से बात करते हैं, कहां से हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स डेफिनेशन। ठीक है, आफ्टर दैट हमने डिफरेंस देखा कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में क्या डिफरेंस होते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, different parts we discussed like ICs, capacitor, resistors. Resistor में हमने different types of resistors discuss किए कि किस type से color coding होती है, कैसे उनकी value को identify करते हैं, and what is tolerance band. These all topics are discussed in our practical also. उसके बाद diode पे हम switch किए, so diode का एक application हमने light emitting diode भी देखा कि कैसे work करता है। After that ट्रांजिस्टर के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन किया, देन हमने इवोल्यूशन देखा कि इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे हुआ। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, थिंग्स हाँ बताइए। सर हमको क्या ये सब हिस्ट्री भी याद रखना है, ये सब जो है मतलब? नहीं नहीं, ये अभी अभी आपका एज सच स्टार्ट नहीं हुआ है सिलेबस। ठीक है, ये दीज आर प्रिलिमिनरी थिंग्स। ठीक है, जिसको आपको बस नॉलेज के लिए कि आपका एक बेस बन जाए, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। अब आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत वहीं से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आप 12th से पास करके आ रहे हो। सो मतलब हमें ये लगता है कि आपको एक बेस पहले देना चाहिए,
although some people already know these things, but हमारी ये responsibility है कि सबको एक साथ लेके चलना है. So we are just giving all the basic descriptions about this particular subject. So ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि क्या history है, क्या geography है, ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा. आपसे जो questions आएंगे वो मैं आपको paper sample एक दूंगा, उसमें आप देखना कि जनरल टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर क्या है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, एंड उसके बाद आप बात करते हो क्या बोलते हैं बैंड थ्योरी, तो बैंड थ्योरी में आप पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर द फिगर ऑल्सो एंड एक्सप्लेन, यू हैव टू एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप. सो ये आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन ये एक क्यूरियोसिटी होती है ना. जैसे हम जब पढ़ते थे तो हमें नहीं पता होता था कि कैसे आया, हम डायरेक्टली स्विच करते थे वैक्यूम ट्यूब से, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब पे से हम आगे बढ़ते थे, फिर हम आईसी के बारे में पढ़ते थे, फिर आईसी के बारे में, फिर उसके बाद हम बैंड गैप थ्योरी जाते थे. तो हमें इतना आइडिया नहीं होता था, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हो तो हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक हिस्ट्री होता है, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो. तो जब तक आपको हिस्ट्री नहीं पता चलेगी तब तक आप मतलब क्यूरियस रहोगे कि कैसे आया है, कौन सी चीज आती है, जानने की क्यूरियसिटी होती है, ठीक है. तो उस पर्सपेक्टिव में हमने ये डिस्कस किया है. अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन अगर पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है. नेक्स्ट डिफरेंस भी मुश्किल है क्योंकि इतना अगर आपका सिलेबस कम रहता है उसमें तब पूछा जा सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है. फिर ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट कहाँ से शुरू होता है वो आपका इवोल्यूशन के बाद से, जैसे ये इवोल्यूशन के बाद से ये बैंड डायग्राम, तो ये फिगर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ठीक है. और याद रखने का क्या है, अगर आप अच्छे से समझ गए दैट मींस कि यू आर कंफर्टेबल इन ड्राइंग आल्सो, और आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर ले जाओ. बस आपको समझना है, एक बार आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया आपने तो यू कैन इजीली डिस्क्राइब दिस डायग्राम, ठीक है. और उसके बाद फिर डिफरेंट हमने पार्टीशन किया है, डिस्क्रिटाइजेशन किया है, फॉर एग्जांपल वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरवर्ड बैंड के बीच में, तो ये सब चीजें पूछी जा सकती है. दीज थिंग्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स. ओके, तो ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है. जैसे ये आपका डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ये मटेरियल्स इम्पोर्टेंट है, तो आगे जब हम पढ़ेंगे ये सब चीजें जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आप कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस बताइए, ठीक है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे और दोज क्वेश्चन आर जनरल क्वेश्चन यू कैन फाइंड इन एनी यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है. तो आज हम डिस्कस करते हैं पहले पुराना जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज एनर्जी बैंड थ्योरी. सो एनर्जी बैंड थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि हम इस पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स में इट इज बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है. तो हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सेमीकंडक्टर्स में बैंड गैप कैसे बनते हैं. सो सेमीकंडक्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सिलिकॉन आता है और जर्मेनियम आता है. जर्मेनियम के बारे में क्या बताया था मैंने कि जर्मेनियम इनिशियली जब इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ था, एट दैट मोमेंट जो आपका जर्मेनियम था दैट वाज वेरी अबंडेंट, मतलब कहीं भी खोजोगे आपको मिल जाता था इजिली जर्मेनियम. बट सिलिकॉन वाज नॉट नोन एट दैट टाइम, उस समय सिलिकॉन का कोई वो नहीं था, एग्जिस्टेंस नहीं था. बट आफ्टर सम टाइम जब सिलिकॉन का एग्जिस्टेंस आया और सिलिकॉन पे जो आपका उसकी कैटेगराइजेशन किया गया, तो ये पाया गया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो प्रॉपर्टी है वो सेम है. मींस जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है
वो सेम है, दैट मींस कि दे बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी। तो जो ग्रुप फोर की हम बात करते हैं, तो ग्रुप फोर में ये दोनों आपके बिलोंग करते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और एक और चीज पाई गई कि जर्मेनियम अगर हाई टेम्परेचर पे हमने जाते हैं तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है कि वो हाई इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है, दैट मींस कि उसका जो करंट कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाता है, करंट गिविंग कैपेबिलिटी। तो उस केस में अगर हमारे पास कोई जर्मेनियम का अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और हाई टेम्परेचर पे उसको वर्क कराना है तो वो सस्टेन नहीं करेगा, बर्न आउट कर जाएगा ड्यू टू हाई करंट फ्लोइंग, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन का क्या था, सिलिकॉन आपका हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है कि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन इसमें स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है। तो इसमें हाई टेम्परेचर पे देने पर भी आपके बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दोगे तभी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन एग्जिट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसको उतना इजी नहीं होता एग्जिट कराना। सो सिलिकॉन की इस प्रॉपर्टी के बेस पे क्या किया गया, जहां जहां पे भी हमें हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन का यूज था, ऑन दैट प्लेसेस वी यूज्ड सिलिकॉन इन आवर एप्लीकेशंस। तो सिलिकॉन का ये इंपॉर्टेंस था। सिलिकॉन के चार टाइप्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड देयर बिहेवियर डिसाइड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मटेरियल्स। So, as per electronic configuration, iska two electrons present in 3s and two electrons are present in 3p orbitals. So, hum agar band ki baat karte hain, to band generally n number of atoms ko consider karte hain. Jab hum n number of atoms ko consider karenge, to jitne bhi energy levels hain, wo discrete energy level na hoke ek band ke form mein ban jayenge. Theek hai? So, that's why we use हाई अमाउंट ऑफ एटम, मतलब एक बहुत लार्ज अमाउंट है एटम की, विच आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर सो दैट द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज नेग्लिजिबल। इनिशियली हम मानते हैं कि जो एन एटम्स सिलिकॉन के हम ले रहे हैं वो बहुत ही दूर दूर है, मतलब उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा है और कोई उस पर प्रभाव नहीं है, ठीक है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे। इन दिस 2n electron occupying 3s level and 2n electron occupying 3p level. अब एक एटम में जो 3s और 3p पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो अगर n एटम्स होंगे तो क्या होगा, 2n 2n, so 2n हो जाएगा, 2n electrons at 3s and same 2n electrons are present in 3p orbitals, ठीक है, clear है यहाँ तक? doubt है तो बताओ किसी को। हाँ ना इसमें तो बताओ, देखो जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे मुझे पता कैसे चलेगा। यस सर करें, ठीक है ठीक है। यश आपका वीडियो ऑन है, आप वीडियो ऑफ कर दो बिकॉज़ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है सर। आवाज में थोड़ा गड़बड़ है सर। ओके wait for some time. सर ठीक है, अभी ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, हमने क्या बताया कि सिलिकॉन की एक एटम में अगर 3s और 3p है, फिर से कट 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 क्या आ रहा है सर आवाज, फिर से। हाँ
कट कट के आ रही है आवाज सर। अभी कैसा है? अभी वो कैसा है? क्लियर है अभी? हाँ सर ठीक है अभी। सो एक एटम में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन है सपोज, आउटर सेल में 3s में दो इलेक्ट्रॉन है और 3p में दो इलेक्ट्रॉन है। सो n सिलिकॉन एटम अगर लेते हैं तो क्या होगा, इन दैट केस 2 into n इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3s और 2n इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल्स, ठीक है। देन इस सब के बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर बैंड फॉर्मेशन करना है तो हमें उनके इंटरेक्शन को बढ़ाना होगा, दैट मींस कि वी हैव टू ब्रिंग क्लोजर ऑल दोस n एटम्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे उनको क्लोज ला रहे हैं। ये डायग्राम हमने डिस्कस किया था, इस डायग्राम में क्या है, दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स इंटर एटॉमिक डिस्टेंस d, उन n एटम्स के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर की तरफ आप जाओगे तो डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग और इधर की तरफ आप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि हम जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है वहां पे दोनों जॉइंट्स होते हैं उसको ओरिजिन मानते हैं 0 0। सो इस पर्टिकुलर डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए हम मूव करते हैं, इसको बड़े में समझते हैं। सो दिस इज द होल एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन सिलिकॉन एटम्स, ठीक है। तो इसमें कैसे है, फर्स्ट दीज टू एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट आउटर शेल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो आउटर शेल कौन सा है सिलिकॉन में, एक टू 3s है और एक 3p है, ठीक है। इस डायरेक्शन में आप अपवर्ड्स जाते हो तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 3p आप ले रहे हो तो 3p में p में कितने स्टेट्स होते हैं, 6 स्टेट्स होते हैं, ठीक है। और 6 स्टेट्स में अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन्स रखते हो तो 6 स्टेट्स हो जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर रहते हैं। और एक एटम के लिए अगर 6 स्टेट्स हैं तो n एटम्स के लिए कितने हो जाएंगे, 6n स्टेट्स हो जाएंगे। वैसे ही अगर 3s में बात करूंगा तो 3s में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी स्टेट्स टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, तो n होता है सर स्टेट्स, 2 स्टेट्स होते हैं ना। अगर 3s में बात करो तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे तो 2 स्टेट्स होंगे, और एक एटम की बात कर रहे हैं तो 2 स्टेट्स हैं। अगर n एटम्स होंगे तो क्या होगा, 2n स्टेट्स हो जाएंगे। कैसे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उसके लिए जस्ट प्रीवियस स्लाइड में जाओ। आप प्रीवियस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुड ओबे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सिस्टम कैन हैव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स या 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, एक सिंगल एटम की बात कर रहे हो, तो सिंगल एटम में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैन नॉट बी सेम, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि 2 स्टेट्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे अगर 2 स्टेट्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है दैट मीन्स कि उन दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। वैसे ही यहाँ पे एक एटम की बात करें तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमने क्या किया, 6 स्टेट्स में इसको डिवाइड किया एज पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब जब हम टोटल n नंबर ऑफ एटम्स अज्यूम करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये तो एक के केस में था कि 2 स्टेट्स यहाँ पे थे, 6 स्टेट्स यहाँ पे है। अगर नंबर ऑफ एटम्स n हो गए तो आपको तो डायरेक्टली आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो आवाज कट रहा है, फिर से
अभी बताओ, अभी क्लियर है आवाज? हेलो। हाँ सर, हाँ क्लियर है। ठीक है सर। कभी कभी हो जाता है सर, मतलब आवाज कट हो जाता है बीच बीच में। हाँ वो कुछ होगा प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू रहते हैं थोड़ा। ठीक है, तो एक एटम में यहाँ पे 6 स्टेट्स थे। ठीक है, सो एन एटम्स के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एन से मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 एन स्टेट्स हो जाएंगे। वैसे ही 3s स्टेट की बात करते हैं, 3s स्टेट में तो 3s में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो दो इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू स्टेट्स आप रख सकते हो। अगर n एटम्स होंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 2n हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है स्टेट्स में? फिर से एक्सप्लेन करना हो तो बताओ सर, एक बार कर दीजिए फिर से। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ये लास्ट वाला देखो, सबसे पहले इनर सेल बोल रहा है। ठीक है, इनर सेल मींस सबसे इनर सेल, इनर सेल मींस सिलिकॉन सर। यहाँ ये जो एरो दिखा रहा है ना ऊपर की तरफ, ये रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है ना इस केस पे? ये हाँ, रिलेटिव एनर्जी इंक्रीज हो रहा है इधर की तरफ। अब लेकिन सर ये प्रोसेस से मतलब कैसे इंक्रीज हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। मतलब देखो, ये आपका वैलेंस है, लास्ट वाला वैलेंस जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका वैलेंस कहते हो, इनर शेल को कहते हो। फिर उसके ऊपर होता है 2s 2p, सो ये आपका वैलेंस होगा, ये आपका 2s होगा, ये आपका 2p होगा, फिर ये आपका 3s होगा, ये आपका 3p होगा, ऊपर आपका 3d होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपका इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर एटम में ज्यादा होंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल्स भी आपकी बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ। क्लियर है? मतलब सबसे नीचे वाला 1s है, उसके बाद 2s है, फिर 2p है, है ना, फिर 3s है, 3p है, फिर 3p है, 3d है, फिर ऊपर जैसे आप SPDF जो करते हो वैसे बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारे जो सिलिकॉन में हम जब बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन में क्या है, ये आउटर शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो आउटर शेल कौन सा है, 3s है और 3p है, तो बाकी के शेल्स तो खाली हैं, तो हमें उससे मतलब ही नहीं है, उसमें कुछ हो चाहे ना हो। ठीक है, तो हम केवल आउटर शेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इफेक्ट पड़ेगा वो आउटर शेल पे ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि इंटरेक्शन इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो रही है। अगर आप सिलिकॉन और सिलिकॉन को क्लोज ला रहे हो तो दैट मीन्स कि सिलिकॉन के उस सिलिकॉन के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का इस सिलिकॉन के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो दो एटम्स हैं अगर आपके पास सिलिकॉन के, तो दोनों के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट पड़ेगा फर्स्टली जब वो क्लोज लाओगे तो, और बहुत ज्यादा क्लोज लाओगे तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2s और 2p वाला भी एनर्जी लेवल स्प्लिट हो रहा है। तो वो स्प्लिट क्या होता है वो बताएंगे। अब आपको स्टेट्स तो क्लियर हो गया होगा कि इसमें 2n स्टेट्स क्यों है और इसमें 6n स्टेट्स क्यों है। क्लियर है? बताओ। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, और सर ये जो फिर से बताता हूँ, एक मिनट सर, एक मिनट, ये जो है ना सर, यहाँ पे यहाँ से इस डायग्राम से मतलब यहाँ पे जहाँ पे आपका 2n लिखा हुआ है ना, वहाँ से ये स्प्लिट जो हो रहा है ना सर, ये नहीं समझ आया। हाँ स्प्लिट हो रहा है ना, मैं बताऊंगा अभी। स्टेट्स क्लियर है कि नहीं, वो आगे आएगा। अभी स्टेट्स क्लियर है कि नहीं, स्टेट्स कैसे बन रही है? ये स्टेप्स क्लियर है, कैसे हो रहा है? ये आपका 1s है, ये आपका 2s है, ये आपका 2p है, ये आपका 3s है, ये आपका 3p है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इंटरेक्शन होता है तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं एज कंपेयर टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उनकी बाउंडनेस न्यूक्लियस से क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो बहुत क्लोज है न्यूक्लियस से, और ये एज कंपेयर टू दीज इलेक्ट्रॉन्स ये ज्यादा बाहर है। तो इनपे जो एनर्जी आप रखोगे वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स पे एनर्जी जो होगी उससे कम होगी। तो जो सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा।
सो स्टेट्स कैसे बन रही है आपकी, टू यहाँ पर आपके 3s है, 3s में हमें पता है कि s में दो इलेक्ट्रॉन्स ही एग्जिस्ट करता है अगर एक एटम की बात करें, और 3p जब p की बात करते हैं तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ही एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्वियसली एज पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम तो हो नहीं सकती, अगर आप 3p कह रहे हो तो 3p में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑल 6 कैन नॉट हैव सेम एनर्जी। तो उससे होता क्या है, हम उनके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, उस पर उसको हम मान के चलते हैं कि वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है। तो ऐसे 6 स्टेट्स पे वो 6 इलेक्ट्रॉन्स 3p वाले एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों की एनर्जी सेम नहीं हो सकती, तो दोनों का स्टेट अलग होगा, दोनों का एनर्जी लेवल अलग होगा, दैट मींस कि दो स्टेट्स होंगे उसके। तो 3s में 2 स्टेट्स हैं और 3p में आपके 6 स्टेट्स हैं अगर आप एक एटम की बात करते हो। अब अगर आप एकदम पास ले आते हो एन एटम्स को, ठीक है, अगर एन एटम्स को पास लाओगे तो ऑब्वियसली जो 6 स्टेट्स, अगर हम 2 एटम की पहले बात करते हैं, ठीक है, वी आर कंसीडरिंग ओनली 2 एटम ऑफ सिलिकॉन, तो अगर 2 एटम की बात करेंगे तो क्या होगा, 3p में अगर हम एक सिलिकॉन की बात करें तो 3p में जो 6 एनर्जी लेवल्स होंगी, सपोज वो 6 एनर्जी लेवल्स सेम होंगी दूसरे वाले के, उसको आप ऐसे समझो। सपोज हम मानते हैं कि ये आपका 3p का है, ठीक है, 3p के 6 स्टेट्स हमने बना दिए। अब ये एक सिलिकॉन एटम का है, सपोज ये सिलिकॉन 1 का है, और ऐसे ही अगर सिलिकॉन एटम आप दूसरा लेते हो तो उसका भी क्या होगा, 6 एनर्जी लेवल होगा। तो सिलिकॉन वाला और सिलिकॉन 2 दो आपके एटम्स हैं, तो अगर दो दूर है और ये p 3p की बात कर रहे हैं, 3p की बात कर रहे हैं, सेम कैन बी एप्लीकेबल टू 3s आल्सो। सो अगर 3p की हम बात कर रहे हैं तो अगर आप दूर दूर रखते हो तो दोनों तो एटम सेम है, अगर दोनों एटम सेम है तो क्या होगा, जो इनका करेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल होगा 3p का, 6 स्टेट्स हमने बनाए हैं वो सेम होने चाहिए। कट रहा है फिर से आवाज, कट रहा है, यस सर फिर से कट रहा है। सर क्या हो रहा है, अभी आ रहा है क्या, यस सर अभी भी वही हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी क्लियर है, हाँ सर फिलहाल तो है ठीक। सो सबसे पहले हम 6 लेवल सुनाते हैं, 6 स्टेट्स होंगे, ठीक है, इसको हम बनाते हैं सिलिकॉन 1, एक सिलिकॉन एटम, और ऐसे ही दूसरा आप सिलिकॉन एटम बनाते हो जिनकी सेम एनर्जी लेवल है। सर ये बार फिर से बता दीजिए ना, मतलब आपका आवाज तब कट हो गया था ना, इसलिए समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। बता रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये 6n स्टेट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, 6n स्टेट्स में कैसे डिवाइड होता है। तो से गया सर, क्या हो रहा है यार आज,
कैसा है? हेलो। हाँ ठीक है सर, सभी ठीक है। ठीक है। सो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे जो आपका 16 स्टेट्स में डिवीजन हो रहा है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे 16 स्टेट्स में डिवाइड हो रहा है। तो फर्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं कि दो आपके पास सिलिकॉन एटम्स है, ठीक है। सो दो सिलिकॉन एटम्स हम कंसिडर कर रहे हैं, ये आपका सिलिकॉन वन है, ये आपका सिलिकॉन टू है। तो जब दोनों के बीच के डिस्टेंस बहुत दूर है, ठीक है, दे आर फार अवे, तो उस केस में हम मान के चल रहे हैं, उस केस में क्या होगा, अगर ये सिलिकॉन एटम है, ये भी सिलिकॉन एटम है, दोनों सेम सिलिकॉन एटम है, तो ऑब्वियसली जो 3p एनर्जी लेवल्स होंगे वो सेम एनर्जी लेवल होंगे, ये सारे के सारे एनर्जी के सेम होंगे, मतलब इसकी जो एनर्जी होगी वही इस वाले की भी होगी, जो इसकी एनर्जी होगी वो इसकी होगी, जो इसकी होगी वो इसकी होगी, जो फोर्थ वन की होगी वो फोर्थ वन की होगी, जो फिफ्थ की होगी वो फिफ्थ की होगी, और जो सिक्स की होगी करस्पॉन्डिंगली सिक्स की होगी। इतना क्लियर है? हेलो। हाँ सर क्लियर है। इसके बाद का ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब हम इसको पास लाते हैं, बहुत पास लाएंगे, जब पास लाएंगे तो क्या होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है, तो जब इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा कि एज पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इस पे है और जो इलेक्ट्रॉन इस पे है, इन दोनों की एनर्जी सेम नहीं हो सकती जब इनको पास ला रहे हो आप। तो जब पास ला रहे हो वैसे ही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा एज पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि जो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। सर आवाज 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 में दिक्कत हो रहा है सर। ओके, जब आवाज क्लियर है तो बताना, अभी क्लियर है? अभी कैसा है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। बीच बीच में हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, जहां पे ब्रेक हो वहां पे बताना। तो अभी जब आप क्लोज लाते हो, तो क्लोज लाते हो तो क्या होगा कि एज पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव सेम एनर्जी। तो इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन है और इस पोजीशन के इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दूर थे तो इनकी एनर्जी सेम थी क्योंकि सेम सिलिकॉन एटम है, पर जब आप पास लेते आओगे तो क्या होगा, इन दोनों की एनर्जी सेम नहीं हो सकती, तो ये कंबाइन होगी, कंबाइन होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी और एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो अगर एक एटम लेते हो तो 6 स्टेट्स है, ठीक है, वैसे ही अगर दो एटम लोगे तो क्या होगा, इनकी सेम नहीं हो सकती, अगर सेम होती तो 6 स्टेट्स ही होते, बट इनकी एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा, कोई ऊपर हो जाएगा कोई नीचे हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 × 2 = 12। क्लियर है? हाँ या यस सर, ना? यस सर। ठीक है। तो जब आप क्लोज लाते हो तो क्या हो रहा है, क्लोज लाओगे तो इन दोनों, जैसे ये लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन है और ये लेवल पे इलेक्ट्रॉन है, उनकी एनर्जी सेम नहीं हो सकती एज पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जब कंबाइन करोगे, जब बहुत पास लाओगे तो क्या होगा, इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके ये डिफरेंट स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक की एनर्जी हाई होगी थोड़ी सी, एक की एनर्जी थोड़ी सी लो होगी, तो ऐसे सारे केसेस में होगा, इस इलेक्ट्रॉन का भी इसके बराबर नहीं हो सकता, इस इलेक्ट्रॉन का भी इसके बराबर नहीं हो सकता, सिमिलरली इसका भी नहीं हो सकता। तो ऐसे दो एटम्स ले रहे हो तो कितने एनर्जी स्प्लिट हो रहे हैं, 12 में, क्योंकि एक का 6 था दूसरे का 6 था, ऐसे ही एन नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर आप एन नंबर ऑफ एटम्स लोगे तो कितने नंबर ऑफ
स्टेट्स हो जाएंगे, 6 into n। अब यही सेम थ्योरी हम 3s को भी अप्लाई कर सकते हैं। 3s में क्या है, केवल दो ही स्टेट्स हैं, ठीक है, तो वहां पे दो स्टेट्स हैं, तो एक के लिए अगर दो है तो दो एटम्स होंगे, तो 2 into 2 = 4, और n एटम्स होंगे तो क्या होगा, 2 into n स्टेट्स। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, सो अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन में आउटर शेल में 3s में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3p में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n एटम्स में कितने होंगे, 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। वैसे ही 3p में भी एक सिलिकॉन एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n नंबर ऑफ एटम्स में कितने होंगे, 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब हम और आगे बढ़ते हैं, और क्लोज ला रहे हैं, इसका मतलब आगे बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या है आपका डिस्टेंस है पोलर की तरफ, प्रोजेक्टेड एक्सिस का डिस्टेंस है, तो रिलेटिव डिस्टेंस आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो एटम्स का, जो एन एटम्स आपके एक्सिस्ट कर रहे हैं। इधर आपके क्या है, टोटल बहुत ज्यादा दूरी पे है, जब इधर की तरफ आप कर रहे हो दैट मींस क्या, डिस्टेंस कम कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करोगे तो एक पोजीशन ऐसा आएगा जब ये बैंड्स की स्प्लिटिंग होगी, मतलब जो ये मिक्सिंग हो रहा है, तो यहाँ पे 6 थे, 12 में कन्वर्ट हो गया, तो और पास लाओगे तो क्या होगा कि कुछ ऐसा एक बैंड बन जाएगा। अभी एक लगन में थे, ठीक है, अब जैसे जैसे और पास लाओगे तो ये एक बैंड बन जाएगा, बैंड मीन्स ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स में डिस्क्रिटाइज हो जाएगा, जिसमें ये टोटल नंबर ऑफ 6n स्टेट्स 2n इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगी, और ये आपका 2n नंबर ऑफ स्टेट्स 2n इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगी। क्लियर है कैसे स्प्लिटिंग हो रही है, बताओ, हाँ या ना? हाँ या ना, कुछ भी तो बताओ। हाँ सर, ठीक है। देखो नहीं समझ में आ रहा है कहीं भी तो बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जितना स्लो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और अगर आप अच्छे से समझ लेते हो इस पूरे डायग्राम को तो यू कैन इजिली एक्सप्लेन ऑन द एग्जाम इटसेल्फ, ठीक है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब रटना पड़ेगा फिर आपको कहाँ पे 4n इलेक्ट्रॉन्स है, कहाँ 4n स्टेट्स है, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे बैंड स्प्लिट कैसे हो रहा है, इधर कोई इफेक्ट नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, एक दूसरे एटम्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई इन एनर्जी का कोई स्प्लिट नहीं हुआ है। जैसे ही n नंबर ऑफ एटम्स का एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ जाएगा, सबसे पहले 3p शेल पे इफेक्ट आएगा, 3p शेल का जो बैंड है, जो एनर्जी है, वो स्प्लिट होगा। स्प्लिट मतलब कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है, जो 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट कैन नॉट हैव सेम एनर्जी लेवल, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की सेम एनर्जी लेवल नहीं हो सकती। अभी तक क्या थे, इन सबकी एनर्जी सेम थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बहुत क्लोज ला रहे हो स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट मींस कि इनके मिक्सिंग हो रही है, और मिक्सिंग होने से जो एनर्जी का एक लेवल था वो डिस्क्रिटाइज होकर एक बैंड में फॉर्म हो जा रहा है। मींस अगर आप इसको इसके नीचे लगा दो, इसके नीचे लगा दो, इसको इसके नीचे लगा दो, तो एक एनर्जी जो लेवल हुआ करता था वो एनर्जी लेवल ना होकर एक बैंड में फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम दो एटम की बात कर रहे हैं, दो एटम में हमारे केवल 12 एनर्जी लेवल हो रहे हैं, अगर आपके n एटम होंगे तो क्या हो जाएगा, अपने नंबर ऑफ लेवल्स में इंक्रीज हो जाएगा, तो ये एक बैंड बनेगा ऊपर से नीचे तक जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन करेंगे। सो सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ सर, आप वो लेजर वाला यूज कीजिए ना सर, आप कहाँ पे दिखा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा सर, ये
ग्रीन वाला पॉइंटर शो नहीं कर रहा आपको? नो सर, समझ में नहीं आ रहा सर कहाँ पे है। ओके, आई थॉट आपको दिख रहा होगा। चलो फिर से देख लो। सो रेड वाला लेजर अच्छे से समझ में आता है? नहीं नहीं, मैं लिखने के लिए मैंने यूज किया था एक्चुअली। ये जो लिखा मैंने वो दिखा नहीं आपको? समझ में नहीं आया ठीक से पॉइंटर का। नहीं नहीं नहीं, ये सिलिकन जो सिलिकन वन और सिलिकन टू में लिखा है वो दिखा है आपको? सही, इस पेज में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सर। ओके फिर से लिखता हूँ। वहां पे दिख रहा है ये सिलिकन वन लिखा दिख रहा है सर? नो सर, नॉट विजिबल। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, रुक जाओ। सर आवाज नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, बोल नहीं रहा हूँ। ओ अच्छा, कोई नहीं, एक बार मैं इसको चेंज करता हूँ। ओके, वर्ड फाइल दिख रही है? वर्ड फाइल दिख रही है आपको? यस सर। बताओ। यस सर, यस सर। ठीक है, क्लियर समझ में आएगा। देखो, हमने क्या अभी एक्सप्लेन किया कि 3P एनर्जी लेवल की बात कर रहे थे, ठीक है? 3P एनर्जी लेवल में कितने स्टेट्स होते हैं? 6 स्टेट्स। ये इसको मान लिया आपने सिलिकॉन वन है और ये है आपका सिलिकॉन टू। अभी हम दो एटम की बात कर रहे हैं, इसी के कॉन्सेप्ट को हम एन नंबर ऑफ एटम्स पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो जब ये दोनों एटम्स दूर दूर है, बहुत दूर है, तो क्या होगा कि जो एनर्जी लेवल की वैल्यू है वो सेम होगी, क्योंकि सिलिकॉन एटम है तो हर सिलिकॉन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा वो सेम होगा। अगर आप 3P लेवल की बात करो या 3S लेवल की बात करो या किसी लेवल की बात करो, जो उसके पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो सेम होगा, मानते हो आप? हाँ या ना, मैं जवाब दूं? यस सर। सर ये वॉइस फिर से डल हो गया। डल हो गया मतलब कम हुआ या ज्यादा हुआ, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है? अब ठीक है सर, अब ठीक है। हाँ, बोलिए सर। तो सिलिकॉन वन और सिलिकॉन टू दो एटम्स हैं, ये दूर है, मैंने माना कि बहुत फार डिस्टेंस पे है। जब फार डिस्टेंस पे होंगे तो क्या होगा कि जो इनकी एनर्जी लेवल की वैल्यू है वो सेम होगी। तो इस लेवल की बात करो तो इस लेवल की वैल्यू दोनों की सेम होगी, दोनों एटम्स की। वैसे ही इन दोनों एटम्स की लेवल की वैल्यू सेम होगी, वैसे ही इन दोनों एटम्स की लेवल की वैल्यू सेम होगी, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों एटम्स को पास लाए। जब पास लाएंगे तो क्या होगा कि जो इसकी एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की एनर्जी लेवल सेम होगी। तो वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है सर। एक सेकंड वेट कर लो, जब क्लियर हो तब बता देना, क्योंकि तीन नेटवर्क है और तीन नेटवर्क में यूज कर सकता हूँ तो कभी कभी प्रॉब्लम आ जा रहा है। अभी क्लियर है?
जहां पे भी मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे वहां पे बताना, क्लियर है सर? शायद आपका माइक पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, माइक पे मतलब आवाज कट कट के आ रहा है, मतलब कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी क्लियर आता है, कभी कभी कट हो जाता है बीच बीच में। अच्छा एक सेकंड सर, एक बार माइक्रोफोन के साथ माउस को थोड़ा सा दूर से बात कीजिए। हो गया क्लास आज का। बताओ। हाँ सर क्लियर है अभी। ठीक है जैसे ही प्रॉब्लम बताना। सो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था, दो सिलिकॉन एटम की बात थी, ठीक है, सिक्स एनर्जी लेवल हम ड्रॉ करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर हम दो सिलिकॉन एटम की बात कर रहे हैं, केवल दो सिलिकॉन एटम की बात कर रहे हैं, उस केस में इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की वैल्यू जो होगी वो इस एनर्जी लेवल की वैल्यू होगी, वैसे ही इस एनर्जी लेवल की वैल्यू जो है वो सेम इस एनर्जी लेवल की वैल्यू होगी, वैसे ही बाकी के जितने भी चार लेवल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग चार लेवल्स की वैल्यू सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि बोथ एटम्स आर सेम सिलिकॉन एटम्स। अब जब ये बहुत दूर है तो इसपे जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी सेम है, जो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग सेम है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बैंड में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। जब हम सिलिकॉन लाते हो तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स एग्जर्ट होगा, दैट मीन्स की कुछ इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है। ऐसे ही और पास लाओगे और पास लाओगे तो एक सिचुएशन आया ऐसा आएगा जहां पे इनकी वैल्यू सेम है तो एक पोजीशन पे इनको एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि ये सेम वैल्यू के इलेक्ट्रॉन पोजीशन एक एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एज पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन का सेम एनर्जी लेवल नहीं हो सकता। अगर दो इलेक्ट्रॉन का सेम एनर्जी लेवल नहीं हो सकता तो क्या होगा, तो एक एनर्जी लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगी और एक उसके नीचे हो जाएगी। सो ऐसे अगर आप अरेंजमेंट करोगे इन दो एटम्स के एनर्जी लेवल्स का, तो अभी तो छह एनर्जी लेवल्स थे बट जब इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, छह से बारह होगा। ऐसे में अगर तीन एटम्स होंगे तो 6 × 3 18 हो जाएगा, तो 18 एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे या 12 एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे, एक के नीचे एक होगा, ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा आपके पास। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। तो आप देख सकते हो आप कि जो एक सिंगल एनर्जी था वो लेवल ऑफ एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो गया, दैट मींस क्या हो रहा है, ऐसे अगर आप n एटम्स को इंटरेक्ट कराओगे तो सारे की एनर्जी लेवल एक के ऊपर एक के ऊपर एक एग्जिस्ट करने लगेंगे। तो वही हम यहाँ पे शो कर रहे थे। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़े, बताओ। यस यस सर, यस सर, यस सर। हेलो, ठीक है। तो
इस तरह से क्या हो रहा है बैंड, इसको हम क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास ये टोटल लाइनअप हो गए हैं एनर्जी लेवल्स, इनको हम कह रहे हैं बैंड, क्योंकि एक के नीचे एक आपका एनर्जी लेवल आ गया। पहले वो डिस्क्रीट एनर्जी था, अभी कंटिन्यूअस टाइम ऊपर से नीचे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका अब यहां पे फॉर्मेशन हुआ। यहां से सबसे पहले कौन सा स्प्लिट होगा आपका, 3p होगा, क्योंकि सबसे आउटर में 3p है। ठीक है, 3p होगा, और उसके बाद जब 3p का बैंड फॉर्मेशन होगा उसके बाद क्या होगा, इंटरेक्शन 3s पे आएगा, तो 3s का भी सेम होगा, 3s में भी आपका बैंड फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहां तक? कोई भी प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। ठीक है, तो अब बैंड फॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ कि जो सिक्सन स्टेट्स थे वो ऊपर से नीचे एक तरह से टाइल हो गए। समझ लो कि ऊपर से नीचे सिक्सन स्टेट्स है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तो सिक्सन स्टेट्स है, और सिक्सन स्टेट्स पे जो टोटल 2n इलेक्ट्रॉन्स है, जो 2n स्टेट्स है नीचे की, वो 2n इलेक्ट्रॉन्स ने कंज्यूम कर रखा है। ठीक है, जहां पे भी 2n स्टेट्स नीचे की होंगी उनको 2n इलेक्ट्रॉन्स ने फिल कर रखा है। क्यों नीचे वाला क्यों फिल कर रखा है, क्योंकि जब तक आप एनर्जी नहीं देते हो तो कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे जाना चाहती है, मतलब लोवेस्ट एनर्जी को अचीव करना चाहती है। तो इस पर्टिकुलर 6n स्टेट्स में जो लोवेस्ट एनर्जी कौन सी होंगी, नीचे की 2n स्टेट्स होंगी, तो नीचे की 2n स्टेट्स को ये 2n इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। क्लियर है? बताओ कोई भी, आवाज जा रही है नहीं जा रही है? क्लियर है सर? हेलो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम वही सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं 3s वाले पे भी। 3s में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, 2n, और ऑब्वियसली जो टोटल स्टेट्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे 2n नंबर ऑफ स्टेट्स हैं तो वो सारी की सारी 2n इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएंगे। फर्दर आप और डिक्रीज कर रहे हो इनकी बीच की डिस्टेंस की, n एटम्स के बीच की डिस्टेंस की, तो क्या होगा कि जो 3s का बैंड था और जो 3p का बैंड था वो दोनों सबमर्ज हो गए, मतलब उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह गया। तो इस पोजीशन पे ना तो आप 3s बोल सकते हो ना तो आप 3p बोल सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे एक बैंड, एक फुल बैंड हो गए, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह गया कि कौन सा 3s को था कौन सा 3p का था। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब ये पूरा आपका स्टेट्स और इलेक्ट्रॉन से फिल है तो कहाँ से आ रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ से आएंगी और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ से आएंगी, तो इनको और इनको एडअप करोगे तो क्या होगा, इसमें 6n नंबर ऑफ स्टेट्स है और इसमें आपके 2n नंबर ऑफ स्टेट्स है, तो दोनों को ऐड करो तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएंगी 8n स्टेट्स। तो ये जो आपका बीच का रीजन है ये टोटल नंबर ऑफ 8n स्टेट्स में स्प्लिट है। ठीक है, और 8n नंबर ऑफ स्टेट्स में स्प्लिट है, देन जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से है, 2n इलेक्ट्रॉन्स आपके 3s से जा रहे हैं और 2n इलेक्ट्रॉन्स आपके 3p से जा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2n प्लस 2n दैट इज 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली ये अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल को अचीव करेंगे, तो लोवेस्ट एनर्जी लेवल इसमें से कौन सा होगा, अगर टोटल 8n नंबर ऑफ स्टेट्स है तो नीचे के जो 4n स्टेट्स होंगे वो ये 4n इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, बाकी के जो 4n स्टेट्स होंगे वो एम्प्टी होंगे। क्लियर है ये वाला पोर्शन? यस सर। ठीक है, सो 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के नीचे वाले पोजीशन को फिल करेंगे क्योंकि लोएस्ट एनर्जी को अचीव करना है, और ऊपर वाले 4n स्टेट्स एम्प्टी रहेंगे। अब फर्दर आप डिक्रीमेंट करते हो उनके बीच के डिस्टेंस के, n नंबर ऑफ एटम्स के बीच के डिस्टेंस के, अब फर्दर डिक्रीमेंट करोगे तो क्या होगा, बैंड का स्प्लिट फिर से होगा,
और ये ऐसे होता है कि जो ऊपर की बैंड है दैट कंटेन्स एम्प्टी स्टेट्स, ठीक है, और जो नीचे का आपका है वो कंटेन कर रहा है फिल्ड स्टेट्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे फोरेन नंबर ऑफ स्टेट्स थे और फोरेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से फिल्ड थे वो सारे के सारे इस बैंड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, और जो एम्प्टी स्टेट्स थे वो इस बैंड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस वाले पर्टिकुलर बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और जो फिल्ड स्टेट्स है उनको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। यहां तक क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। सो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बन गया। अब हमें यहाँ पे क्या देना है कि ये टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड फोरेन स्टेट्स है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें फोरेन इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पूरा का पूरा आपका वैलेंस बैंड फिल्ड है, इसमें कोई भी एम्प्टी स्टेट नहीं है। ऊपर देखो आप कंडक्शन बैंड में क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड में आपका फोरेन नंबर ऑफ स्टेट्स है और जीरो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये एम्प्टी स्टेट है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये एम्प्टी स्टेट है और ये कंडक्शन बैंड है। इसके बाद जो तीसरा टर्म आता है वो आता है इन दोनों के बीच की गैपिंग, वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बैंड गैप उसको बोलते हैं, ठीक है, बैंड गैप, फर्मी एनर्जी गैप और ऐसे बहुत सारे नाम है जो आप आगे आके देखोगे, इसके बहुत सारे नाम है, तो आप बस इतना जानो कि दो चार नाम जानो और इसी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सो अगर इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है आपसे कि प्लीज एक्सप्लेन द फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, क्या है ये, लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, बताओ याद है किसी को? नहीं सर, भूल गए। ठीक है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप इसमें आप देख सकते हो कि जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, एनर्जी बढ़ रहा है, तो जो ये वाली वैल्यू है जहां पे ये एरो पॉइंटेड है, ये वाली वैल्यू इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है, मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं से कंडक्शन बैंड स्टार्ट हो रहा है, यहां से ऊपर की तरफ, और ये वाली वैल्यू अगर बात करें तो ये मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल, क्योंकि मैक्सिमम इस वैलेंस बैंड का जो एनर्जी लेवल है वो मैक्सिमम यहाँ पे है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल एंड मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा इस बैंड एनर्जी बैंड डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है। इसमें अगर कोई कहीं पे भी आपको डाउट है तो बताओ। नहीं है सर। ठीक है, मतलब फाइनली क्लियर हो गया, या अभी भी कहीं भी है, कहीं पे भी है तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अगर आपको ये डायग्राम समझ में आएगा दैट मींस यू कैन इजीली एक्सप्लेन इन द एग्जाम आल्सो। बताओ सर, फॉरबिडन एनर्जी गैप थोड़ा एक बार बता देते। ठीक है, सो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है आपका, हम सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये एनर्जी क्या है, एनर्जी आपका रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस एक्सिस को देख रहे हो तो इधर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, इधर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, तो ये आपका बैंड क्या है, ये आपका बैंड है कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड में जो लोवेस्ट एनर्जी है उसको हम बोल रहे हैं मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल, जहां से कंडक्शन बैंड स्टार्ट हो रहा है, और ये पॉइंट अगर देखा जाए तो इसके बाद वैलेंस बैंड का एग्जिस्टेंस नहीं है, वैलेंस बैंड यहाँ पे खत्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल, ठीक है। तो कह सकते हो आप कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल एंड मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये इसका एक डिफिनेशन हो सकता है बैंड गैप का या फॉरबिडन एनर्जी गैप का।
यस सर ठीक है। इसमें एक और चीज है, इसमें लास्ट में आप देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, तो यहाँ क्यों स्प्लिटिंग हो रही है, क्योंकि और आप उनके बीच की डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हो, और डिक्रीज करोगे तो जो नीचे के एनर्जी लेवल्स है लाइक 2s 2p वो भी स्प्लिट हो रहे हैं। सबसे पहले 2p पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा आउटर में है, आउटर शेल में है, और उसके बाद 2s पे पड़ेगा। तो ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम था। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी बैंड थ्योरी। सो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि एनर्जी बैंड जैसे स्प्लिट हो रहा है वो तीन बैंड्स में स्प्लिट हो रहा है। फर्स्ट वन इज वैलेंस बैंड विच इज ऑल्सो फिल्ड स्टेट्स बैंड, और सेकेंड आपका कंडक्शन बैंड है जो एम्प्टी स्टेट बैंड है। नेक्स्ट इज फॉरबिडन बैंड, जो इनके बीच का डिफरेंस है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का। तो ये पिक्टोरियली ऐसे रिप्रेजेंटेड है कि फील्ड बैंड वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड आपका अनफील्ड बैंड है, और एनर्जी नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रही है। सो व्हाट इज वैलेंस बैंड? बैंड ऑफ एनर्जी लेवल विच आर क्लोजर टू न्यूक्लियस, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड एक्सपेंसेस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, एंड इट कैन नॉट मूव फ्रीली व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इट इज कॉल्ड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। सो ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल को अचीव करते हैं, और लोवेस्ट एनर्जी लेवल को अचीव करेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस से बहुत ही पास होंगे और स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन नॉट मूव फ्रीली, ठीक है। दैट्स व्हाई इसको हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्शन बैंड। सो कंडक्शन बैंड क्या होता है? बॉन्ड ऑफ एनर्जी लेवल्स विच आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो भी बहुत ही दूर है न्यूक्लियस से, द कंडक्शन बैंड इज द बैंड ऑफ ऑर्बिटल्स दैट आर हाई इन एनर्जी एंड आर जनरली एम्प्टी। तो जैसे हमने प्रीवियस पिक्चर में देखा था कि ये जो कंडक्शन बैंड होते हैं इनकी एनर्जी लेवल्स हाई होती हैं एंड दे आर जनरली एम्प्टी। एन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड हैज वीक इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस एंड हेंस इट कैन मूव फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दस इट प्रोड्यूसेस करेंट, इट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स के जो ऊपर इन्फ्लुएंस है न्यूक्लियस का वो बहुत ही वीक होता है, दैट्स व्हाई इट कैन मूव फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं क्योंकि दीज इलेक्ट्रॉन्स हेल्प टू प्रोड्यूस करेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप। इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड एनर्जी गैप और बैंड गैप इज एन एनर्जी रेंज इन अ सॉलिड वेयर नो इलेक्ट्रॉन स्टेट्स कैन एग्जिस्ट। सो इस पर्टिकुलर रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कोई भी स्टेट नहीं होती, जैसा कि हमने प्रीवियस फिगर में देखा था, यहाँ पे कोई भी स्टेट्स नहीं है। दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज जीरो, यहाँ पे कोई भी स्टेट आपका नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट है, ठीक है। तो दूसरा डिफिनेशन क्या है कि बैंड गैप इज एन एनर्जी रेंज इन अ सॉलिड वेयर नो इलेक्ट्रॉन स्टेट्स कैन एग्जिस्ट। तो आप दोनों तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो बैंड गैप को, एक तो आपने बिटवीन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का बता दिया, और दूसरा कि एनर्जी रेंज इन अ सॉलिड वेयर नो इलेक्ट्रॉन स्टेट्स कैन एग्जिस्ट। इट जनरली रिफर्स टू द एनर्जी डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बिटवीन द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। सो क्लियर है यहां तक? फॉरबिडन गैप, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, कोई डाउट? नो सर। ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस बैंड गैप
हम मटेरियल को डिफाइन करते हैं, तीन टाइप में आपका मटेरियल डिफाइन होता है. सो मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ एनर्जी गैप. सो फर्स्ट इज इंसुलेटर, सेकंड इज कंडक्टर एंड थर्ड इज सेमी कंडक्टर. सो कैसे है ये फिगर एक्सप्लेन कर रहा है. एज यू कैन सी इन दिस फिगर, इंसुलेटर में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड, मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल एंड मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल इज वेरी हाई. ठीक है, इसका डिफरेंस बहुत हाई है एज कंपेयर टू कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स. सो अगर आपको डिस्क्रिटाइजेशन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, देन दिस इज वन ऑफ द रीजन. आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में जो बैंड गैप होता है या फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही हाई होता है. कंडक्टर्स में ये दोनों जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वो आपका ओवरलैप करता है. दैट मींस क्या है आपका, कि जो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो जीरो है, मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी गैप ही नहीं है. ठीक है, जितने वैलेंस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट कैन फ्रीली मूव टू कंडक्शन बैंड. और सेमी कंडक्टर में क्या होता है, ये जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, और बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी और एक्सटर्नल सोर्स यू कैन मूव दीज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. ठीक है, आपको याद होगा जब हमने एक स्लाइड में बात की थी, इंसुलेटर्स में जो ये गैप होता है वो अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स में हमने देखा था जो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम था, उसमें जर्मेनियम का 0.78 था और सिलिकॉन का 1.21 था एट 0 डिग्री केल्विन. ठीक है, आगे अभी एक क्वेश्चन भी आता है जो लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था आपको, टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला आगे होगा कहीं वाला इक्वेशन. इसमें देखो, एट टी इक्वल्स टू जीरो अगर आप कर दो तो सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप है वो 1.21 है, और एट टी इक्वल्स टू जीरो जर्मेनियम के लिए क्या है आपका 0.78 है. यहां तक क्लियर है सबको? एनी डाउट? हाँ या ना, कोई तो बोलो. नो डाउट सर. नो डाउट सर. ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट है इंसुलेटर्स. सो इंसुलेटर मैंने बताया आपको कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गैप. इट इज अ मटेरियल विथ लार्ज एनर्जी गैप. एग्जांपल जो ईजी है, ईजी आपका एनर्जी गैप है वो सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की जो यूनिट होती है इन टर्म्स ऑफ जूल्स इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स. ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वैल्यू is the value of charge. ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू है, q की वैल्यू, जो आप बोलते हो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, बस आपको जूल में 1.6 × 10⁻¹⁹ ऐड करना है. सो कभी कभी क्वेश्चन में आपका जनरली पूछता है कि जो एनर्जी है प्लीज गिव द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल्स, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में फाइंड आउट करने के बाद जूल्स में कन्वर्ट करना होगा. तो कैसे करोगे, इस पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर में जहां पे. तो आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना होगा बिफोर अटेम्प्टिंग. ठीक है, ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन नॉट मूव इनटू कंडक्शन बैंड एंड रिमेंस कंप्लीट फिल. सो इस इंसुलेटर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा गैप होने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड में इजीली मूव नहीं कर पाता.
That's when conduction band remain completely in the tube. For example, sir, glass, diamond, silicon dioxide और energy gap जो diamond में होती है वो 6 electron volts होती है. Clear insulator. Please respond. Clear, yes, sir. Conductors. It is a material having zero energy gap. जैसा कि हमने discuss किया था. Energy gap zero होता है. The materials in which conduction and valence band. Valence electrons can move valence to conduction band without requiring thermal energy. तो सेमीकंडक्टर में हमें मूव कराने के लिए थर्मल एनर्जी की जरूरत पड़ती है बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड बट इज नो गैप सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी थर्मल एनर्जी. द ओवरलैपिंग इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन. सो ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ कि जितने वैलेंस बैंड में अवेलेबल है वो सारे कंडक्शन के लिए अवेलेबल है. ठीक है. Hence, the application of a small amount of voltage results a large amount of current. ठीक है. तो थोड़ा सा भी आप voltage apply करते हो तो large amount of current you can get. तो conductors में जो metals सारे जो आते हैं वो सारे के सारे conductors होते हैं. Best conducting materials are silver. Silver सबसे best होता है और copper second best होता है. तो generally जो हमारे होम अप्लायंसेस होते हैं या जो हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदते हैं वो हम क्या कहते हैं पूछते हैं कि भाई ये बताओ एल्यूमिनियम का वायरिंग है या कॉपर का. अगर कॉपर का है दैट मींस कि वो उसमें हायर प्राइस लगा हुआ है और थोड़ा सा वो कॉस्टली होगा. ठीक है. तो एल्यूमिनियम में क्या होता है एल्यूमिनियम थोड़ा लेस वो होता है कॉस्टली होता है. तो जनरली जो चीपर अप्लायंसेस होते हैं उसमें एल्यूमिनियम का लगाया होता है. जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बाय करते हो परचेज करते हो तो उसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि जो वायरिंग हुई है जो वाइंडिंग हुई है वो किसकी हुई है एल्यूमिनियम की हुई है या कॉपर की हुई है. अगर कॉपर की हुई है देन दैट इज बेस्ट. जैसे जनरली क्या करते हैं जो मोटर की वायरिंग होती है वाइंडिंग वो किस चीज किस मटेरियल का है ये हम चेक करते हैं. अगर कॉपर का है दैट मींस इट विल वर्क फॉर सम टाइम मतलब उसका कुछ है रिलायबिलिटी. एल्यूमिनियम का है तो कोई रिलायबिलिटी नहीं कि कब वो बर्न आउट कर जाए कब खराब हो जाए. तो ये आपका कंडक्टर्स होता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराता है. क्लियर है यहाँ पे कंडक्टर्स इंसुलेटर क्लियर है सबको. यस सर. ठीक है. नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं द मटेरियल्स इन विच द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स. सो जैसा हमने अभी इक्वेशन में देखा था सिलिकॉन और जर्मेनियम का उसमें 1.21 सिलिकॉन का था और जर्मेनियम का क्या था 0.78. सो क्या ये बहुत ही स्मॉल एनर्जी गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर दी कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स. अ स्मॉल एनर्जी गैप मींस दैट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स बाय मूविंग देम फ्रॉम द वैलेंस बैंड इनटू द कंडक्शन बैंड. सो इस केस में बहुत ही स्मॉल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. द सेमीकंडक्टर्स वी हैव लाइक इंसुलेटर्स एट 0 डिग्री केल्विन because no electrons are available in the conduction band. So जब आप टेम्परेचर दोगे ही नहीं तो क्या होगा कोई इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं करेगा क्योंकि there is a sufficient amount of energy required for movement of electron from valence to conduction band. जो कि आपने देखा सिलिकॉन में 1.21 है और जर्मेनियम में 0.78 है. तो अगर आप 0 डिग्री केल्विन मतलब बहुत ही टेम्परेचर कम करते जा रहे हो then this semiconductor will behave as इंसुलेटर. इफ द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो ऑब्वियसली आप एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो
सेमीकंडक्टर को, दैट मींस कि जो एनर्जी गैप है उसको सरपास करके जो इलेक्ट्रॉन है आपका वैलेंस बैंड में, दैट कैन मूव टू कंडक्शन बैंड. सो इफ द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज्ड, मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल एक्वायर एनर्जी टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड. ठीक है, इफ अ वैलेंस रिसीव्स सफिशियंट थर्मल एनर्जी इट कैन मूव इनटू कंडक्शन बैंड लीविंग अ वैकेंसी इन वैलेंस बैंड विच इज कॉल्ड होल. एंड देयरफॉर इफ वन इलेक्ट्रॉन इज सफिशियंटली थर्मली एनर्जाइज्ड इट क्रिएट्स अ पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड अ होल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैरियर जनरेशन. सो होता क्या है कि जब आपका इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में जो वैलेंस शेल वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डेड होते हैं. तो बॉन्डेड होते हैं तो क्या होगा कि उनको आप एक एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो, एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो. तो अगर उसकी एक्सटर्नल एनर्जी की वैल्यू अगर आपके बैंड गैप की वैल्यू से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा. जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो अपना जो फील्ड स्टेट था वो क्या किया, एम्प्टी किया. जब फील्ड स्टेट एम्प्टी हुआ तो उस वैकेंसी को जो आपके बैलेंस बैंड में क्रिएट होगा उसको बोल रहे हैं होल. और इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर रहा है कंडक्शन बैंड में तो दिस प्रोसेस क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर. ठीक है, समझ में आया सबको, डाउट है सर एक बार फिर बोल दीजिए तो. ठीक है, मूव करते हैं यहाँ पे. वैसे ये वाला सीरियल जनरेटर नहीं, नहीं वही समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पे समझा रहा हूँ कैसे हो रहा है. वैलेंस बैंड में आपका क्या है इनिशियली, जब 0 डिग्री केल्विन में मान रहा हूँ सपोज, सो 0 डिग्री केल्विन पे सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है दोज इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड. ठीक है, अगर बॉन्डेड है तो बिना एनर्जी के ये जब करेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, तो सारे बॉन्डेड है. हमने क्या किया, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं. कब तक दे रहे हैं, जब तक कि वो जो एनर्जी हम दे रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स से वो एनर्जी इतनी सफिशियंट हो जाए कि इस एनर्जी के बराबर या इससे ज्यादा हो जाए, इस एनर्जी गैप के बराबर या इससे ज्यादा हो जाए. अगर इस एनर्जी से ज्यादा नहीं है तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लेकिन जा नहीं पाएगा कंडक्शन बैंड में. तो टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड वी नीड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एटलीस्ट. इतना तो कम से कम हमें एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से लेना ही है. ठीक है, अगर मान लिया हमने कि इस पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू हमने थर्मल एनर्जी से दे दिया एक्सटर्नली, यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उसको इतनी एनर्जी मिल गई तो क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करेगा कंडक्शन बैंड पे. और जब ये जंपिंग होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी बैलेंस बैंड में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और इस वैकेंसी को बोल रहे हैं होल. तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ. क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कैसे जनरेट हो रहा है हमें पता चल गया कि जब हम सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं जो इस एनर्जी गैप के एटलीस्ट इक्वल है या इससे ज्यादा है. अगर इससे ज्यादा है तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कराएंगे कंडक्शन बैंड में एंड यहाँ पे एक एम्प्टी स्टेट क्रिएट होगा. उस एम्प्टी स्टेट को हम बोल रहे हैं होल. और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फॉर कंडक्शन. ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर या ईएच पेयर. इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएच पेयर बोलते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एच फॉर होल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर. So, the resistance of semiconductor decreases as the temperature increases, which is a behavior opposite to that of a metal. Varying conditions like temperature and impurity content can easily alter their conductivity. But these devices enhance performance, reliability, and cost effectiveness.
सो सबसे पहले हम समझते हैं कि पहला सेंटेंस क्या कह रहा है. पहला सेंटेंस है द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस एज द टेंपरेचर इंक्रीज. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो बॉन्ड है, ठीक है, वो बॉन्ड है हमारा यहाँ पे वैलेंस बैंड में, वो सब ब्रेक होगा. और ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट करेंगे कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में अगर पहुंच गए दैट मीन्स की दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस करेंट. ठीक है, ये क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे कंडक्शन बैंड में वो हेल्प करेंगे करंट प्रोड्यूस करने में. और जब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ही ज्यादा करंट आपका होगा. और जब करंट ज्यादा होता है तो हमें पता है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. तो करंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका कम होगा. तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी होती है आपकी कि द रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीज. ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विच इज द बिहेवियर अपोजिट टू दैट ऑफ अ मेटल. मेटल में अपोजिट बिहेवियर मतलब क्या हुआ इसका, कि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. सेमीकंडक्टर में डिक्रीज हो रहा था, इसमें इंक्रीज हो रहा है. तो कैसे समझेंगे, इसमें देखो आप, यहां पे जो करंट प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स थे वो सफिशियंट नहीं थे, ठीक है, तो हम एनर्जी दे रहे थे. यहां पे पहले से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से आप एनर्जी दोगे तो क्या होगा, इतने ज्यादा अबंडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं कि उन दोनों में आपस में इंटरेक्शन होने लगेगा. इंटरेक्शन मीन्स कि वो एक दूसरे से मरने लगेंगे, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, एक तरह से आप भीड़ समझ लो. और भीड़ को अगर आप धक्का दोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा. समझ रहे हो आप, अगर आप भीड़ में खड़े हो और बहुत सारे लोग पास पास खड़े हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो बाहर से तो क्या होगा कि आगे वाले से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा. अगर आगे कोई है ही नहीं तो आप क्या करोगे, आगे भाग जाओगे. आगे जैसे ही आपको पीछे से फोर्स मिलेगा आप आगे की तरफ मूव करोगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं. तो सेम फिनोमेना आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करेंगे तो उसके वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा. बात समझ में आ रही है? यस सर. केवल एक ही सर आ रहा है, बाकियों को समझ में नहीं आ रहा है क्या, या बाकी बोर हो गए लेक्चर से? नहीं सर, आ रहा है. अगर प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि इतने लॉन्ग टाइम तक आप सस्टेन नहीं कर पा रहे होंगे, क्या पता भूख लग गया हो, क्या हो गया हो, और प्रॉब्लम तो बताओ, इसको कोई दिक्कत है? बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्लोज करेंगे आज का सेशन. बताओ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहीं पे कंक्लूड करते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में फिर से इसके यहीं से पढ़ाएंगे. कोई इंटरेस्टेड नहीं है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अभी आपके आईएमसीआरपी पे बस एक चीज आपको बताना था मुझे. फर्स्ट थिंग इज कि जो आपका आईएमसीआरपी है उसमें बहुत सारे लोगों का अकाउंट है, ठीक है, तो जिसका जिसका अकाउंट है आप केवल आईएमसीआरपी वाले अकाउंट से अपना टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है. बाकी अगर जितने लोग नए ज्वाइनिंग है उनको मैं यहाँ पे ही अपना उसका लिंक देता हूँ, फेस का लिंक. जितने लोग आईएमसीआरपी में टेस्ट दे रखे हैं वो सारे के सारे इस गूगल फॉर्म में टेस्ट दे रखे हैं,
मुझे आइडेंटिफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि कौन सा बच्चा यहाँ पे आया है नया या कौन सा बच्चा पहले से दे रखा है, समझ रहे हो आप? तो जितने लोगों ने आईएमसीआरपी पे जिनकी आईडी है वो आईएमसीआरपी के थ्रू अपना टेस्ट अटेम्प्ट करें, और बाकी जिनके पास आईएमसीआरपी की आईडी क्रिएट नहीं हुई है, जो न्यू ज्वाइनिंग है, वो अपना यहीं पे, मैंने चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया है, आप इसको फॉलो करके अपना रिस्पॉन्स फीड कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके Okay, जितने लोगों ने आज का लेक्चर अटेम्प्ट किया वो पहले के लेक्चर से एक बार फिर से वो कर ले, रिवाइज कर ले। इफ यू फील एनीवेयर एनी इन एनी टॉपिक इफ यू फील एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? सो जिसको भी कहीं भी डाउट हो, डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।